हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में आपको कमाल का कीवर्ड बताने वाला हूँ और $7 CPC वाला कीवर्ड बताने वाला हूँ, ठीक है। ये रहा हुआ किचन इंटरनेट सर्विस। अभी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ कैसे इस पर आपको काम करना है, ठीक है। कैसे काम करना मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, कैसे आप काम कर सकते हैं और कैसे आप इस पर ट्रैफिक ला सकते हैं इस कीवर्ड पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूँ, अगर आप मुझे कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग के संबंधित अगर कुछ सब जानकारी लेना चाहते हैं या आप अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं या ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, ठीक है, या ब्लॉग वेबसाइट को टॉप लेवल का कीवर्ड आपको चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पर। यहाँ पर मैं कुछ अपनी सर्विस आपको दूंगा और उसमें टॉप लेवल के कीवर्ड मैं बताता हूँ और उस पर कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग कैसे की जाती है, ब्लॉग वेबसाइट को सक्सेसफुल विद इन 100 डेज के अंदर यानी 3 महीने के अंदर कैसे अपने वेबसाइट को सक्सेसफुल आप बना सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके कुछ मैं पैसे चार्ज करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपकी जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा टॉप लेवल के अंदर, आपको 100 दिन आपको काम करना है, 100 दिन के बाद आपकी जो वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट होगा वो सक्सेसफुल आपको मिलेगा, ठीक है। जो वे मैं बताऊँगा मैं आपको फ्री में ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, फ्री में। ये सब इतना हाई अच्छे कीवर्ड हैं कि कोई नहीं बताता है, ठीक है। मैं आपको इससे भी हाई क्वालिटी के कीवर्ड बताऊंगा जो निश है, ऐसी अभी अभी ऐसी ऐसी निश है कि जिस पे लोग काम बहुत मिनिमम काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो उस प्रकार के मैं आपको ब्लॉग वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा किस तरह के आप अपने वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं अलग अलग प्रकार के निश पे आपको बताऊंगा कि इस निश पे भी आप काम कर सकते हैं और टॉप लेवल के कीवर्ड सर्चेस वॉल्यूम CPC सब कुछ और जीरो कंपटीशन के साथ सारी चीज़ें वो मैं डिस्कस कर देंगे। जब आप डिस्कस करेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्कस करना है तो मुझे आप मेल कर सकते हैं और बाकी कुछ पैसे मैं चार्ज करता हूँ वो आप पे करके आप सारी सर्विस आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो मैं सर्विस आपको दूंगा वो आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है, आपने कभी देखा नहीं ना सोचा होगा। ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 100 दिन के अंदर आप सक्सेसफुल अपना ब्लॉग वेबसाइट रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कीवर्ड के बारे में बताता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप वर्क करना है इस पर, ठीक है। अभी क्या है कि ये इंटरनेट सर्विस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं क्या है कि मैं कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को सर्विस देता हूँ टॉप लेवल कीवर्ड मैं उनको अचीवर के लिए बताता हूँ कैसे ब्लॉग वेबसाइट वो रन कर सकते हैं किस कीवर्ड पे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे इसके बारे में जाहिर सी बात है, जब इंसान जब रोज़ वही काम कर रहा है तो उसको आइडिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एग्जांपल, ठीक है। अभी यहाँ के क्या है कि इंटरनेट सर्विस हाई स्पीड बिजनेस इंटरनेट, ये कौन कौन सी कंपनी है जो हाई स्पीड का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। आप अपना एक ब्लॉग बना दीजिए जो टेक्निकल वाला हो ब्लॉग, उस पर इस कीवर्ड को लिखिए, है ना, वो इस कीवर्ड को उस पर लिखिए आर्टिकल, लगभग 4-5 हज़ार का आर्टिकल लिखिए, 4 हज़ार से कम मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये पेड है। ये क्या है कि ये यहाँ 35% पेड ये कीवर्ड है, ठीक है, तब जाके इसका जो CPC है हाई क्वालिटी का दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पेड कीवर्ड है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, कम से कम 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता लगा के लिखिए। जब आप किसी चीज़ को आप अच्छे से करेंगे ना तो वो 100% रैंक होता है, ठीक है। आप मेहनत करेंगे अच्छे से आर्टिकल को ऑप्टोमाइज़ करेंगे। और अब यहाँ पर क्या कि इंटरनेट सर्विस, अब कौन कौन सी कंपनी कितने कितने का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, कितने महीने का प्लान आपको बताना है। आपकी वेबसाइट में आपको क्या करना है, आपको प्लान बताना है। यहाँ पर आप जाके देखेंगे जो वेबसाइट रैंक हुई है, यहाँ पर जस्ट डायल पे आप जाके देखें टॉप 10 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन बस्ती बेस्ट ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पर वेबसाइट को देख लीजिए कैसे चीज़ें लोग दूसरी वेबसाइट पर पोस्ट किए हैं, ठीक है। सेम उसी को आपको कॉपी करना है, और मतलब कॉपी करने का मतलब ये है कि उनके आइडिया को आप कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, और अपने ब्लॉग वेबसाइट पे रन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलता है इंटरनेट सर्विस से, बहुत अच्छा ट्रैफिक है। यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड आपको दिखाता हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर 49K का है और सबके सब USA से कीवर्ड है। 49 का सर्च वॉल्यूम जो है USA से है और किसी कंट्री से नहीं है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस इन माई एरिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नियर मी, ठीक है। इन सारे कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, सारे कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। ये सारे कीवर्ड को अपने ब्लॉग पर सबने ऑप्टिमाइज़ कीजिए और हर कीवर्ड पे आप ट्रैफिक आपको मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके एरिया वाइज आप कर सकते हैं, एरिया वाइज होता है थोड़ा सा कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया से संबंधित, तो वो थोड़ा सा उस पर कम ट्रैफिक आने के चांस रहता है, ठीक है। आप अगर ये प्लान के बारे में बताएंगे कौन सी कंपनी अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट सर्विस सस्ते में या महंगे में कौन कौन सी सर्विस है, कौन कौन सी कंपनी है, तो उन कंपनी का नाम लिखिए, उनका क्रेडिट देखिए, उनके प्लान के बारे में बताइए अपने ब्लॉग वेबसाइट पे अच्छे से, ठीक है। तो 100% आपका रैंक होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है।
बाकी अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो आर्टिकल आप लिखवा सकते हैं मुझसे, मतलब मेरी टीम से लिखवा सकते हैं। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं आर्टिकल का, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कितने वर्ड का कितना पैसा चार्ज किया जाता है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो आर्टिकल के लिए मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। सभी लगभग 70 या 80+ वो निश पे वर्क करता है, अभी करंट टाइम पे कम कर रहा है, ठीक है, पिछले 1 महीने से उसके पास डेटा है, ठीक है, तो अलग अलग निश को काम करता है बंदा, ठीक है। तो आप भी लिखवा सकते हैं, एक बार ज़रूर आप आर्टिकल लिखवाइए, आपको पसंद आएगा तो आप लिखवाइएगा बार बार, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सर्विस वो देता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कीवर्ड बताता हूँ, अभी क्या है कि लोग यहाँ पर, अभी ये क्या कि रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, अभी ये क्या होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ये लोग यहाँ पर कमेंट किए थे लोग, मतलब कि हेल्थ से संबंधित हो, ठीक है, मतलब हेल्थ से संबंधित, तो ये हेल्थ वाली वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा है। आप जाके बता सकते हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, ये दिमाग में कौन सी चीज़ होती है, ठीक है, ये दिमागी का है शायद, मुझे इतना ही पता है, ये एनाटॉमी रेटिकुलर नोन ब्रेन रेटिकुलर, हाँ ये दिमाग का है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाके आप क्या करेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएंगे इसकी, ठीक है, अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप सर्च मारेंगे तो मैं अभी सर्च कर मार दिखाता हूँ, यूट्यूब पे आपको इसकी कमाल की वीडियो मिल जाएगी। आपको अगर नहीं समझ में आता लिखना तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए और जितने भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से मिलती है सब नोट डाउन कर लीजिए, और अच्छे से यहाँ हिंदी अंग्रेजी में दोनों बताया गया है, यूट्यूब पे लोग अच्छे से वीडियो बनाए हिंदी अंग्रेजी में, रेटिकुलर एक्टिव एक्टिवेटेड सिस्टम क्या होता है यहाँ पर अच्छे से बताए, रेटिकुलर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होता है ये हिंदी में बताया गया है वीडियो, ठीक है। तो आप जाके अगर आपको आइडिया नहीं तो आप जाके यूट्यूब पे आप वीडियो देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लिखने नहीं आता, ठीक है। बाकी अगर आपको लिखवाना हो, अगर किसी टॉपिक पर अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी मेल आई डी पे, और मेरे पास कंटेंट राइटर है वो काफ़ी अच्छा लिखता है, ठीक है, तो कुछ पैसे चार्ज करता है वो, आप डिस्कस कर लीजिएगा इस मेल आई डी में, वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये हेल्थ वेबसाइट के लिए, आप वहाँ से अच्छे जाइए, अच्छे से आर्टिकल लिखिए, जो इन्फॉर्मेशन दीजिए 5 दिन लगा 10 दिन लगा के और एक्स्ट्रा समय दीजिए, और उसको लेट पोस्ट कीजिए पर उसमें फुल इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि जैसे कोई गुजर आए इंगेज हो जाए, ठीक है। और जो एवरेज टाइम हो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट का एवरेज टाइम हो, कम से कम 3 मिनट का होगा एवरेज टाइम अगर रहेगा आपकी पेज का तो बहुत तेज़ी से रैंक होता है, ठीक है। अगर 2 मिनट को 2.5 मिनट के ऊपर रहता है पेज का एवरेज टाइम तो बहुत तेज़ी से रैंक होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और बाउंस रेट कम से कम 50 हो, 50 से ऊपर ना हो, ठीक है, बाउंस रेट 50 से कम ही हो तो बहुत अच्छी वेबसाइट होती है, ठीक है। तो आर्टिकल अगर लंबा रहेगा तो बाउंस रेट बहुत आपका कम रहेगा, ठीक है, 30, 40, 45, 50 तक ऐसे बाउंस रेट रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कुछ टिप्स है, मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है, हर वीडियो में। और यहाँ पर 47K का ये ग्लोबल सर्च वाले में, और सबसे USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, मलेशिया, फिर जाके इंडिया, ठीक है। मैं हर कीवर्ड को टारगेट करता हूँ USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन्हीं सभी कंट्री को मैं एक टारगेट करके कीवर्ड को निकाल के आइडेंटिफाई करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन लोकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर कीवर्ड, यहाँ पर आइडिया दे सकते हैं, पर आपको टारगेट क्या करना है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, इसी कीवर्ड को टारगेट करना है, इसी पर ट्रैफिक लाना है, CPC भी अच्छा है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, और सबका सब यूज से ट्रैफिक आएगा, तो आपकी जो अर्निंग होगी वो कमाल की अर्निंग होगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको एक और कीवर्ड बताता हूँ, ये थोड़ा पेज रिफ्रेश हो रहा है। और फ्रेंड्स जो अभी है कि ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ये क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है, ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है, ये होता है, ठीक है, एक्सरे जो चीज़ें होती है यहाँ पर आराम से आपको ये हेल्थ वेबसाइट के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आया था हेल्थ वेबसाइट के लिए, तो मैंने आज से कीवर्ड को ढूंढ निकाला, ठीक है, हेल्थ वेबसाइट पर आप इसे इंप्लीमेंट करते हो और अच्छे से आर्टिकल लेके आप ट्रैफिक ले सकते हैं, ये जितना आर्टिकल ट्रैफिक है आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें से आधा आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो वेबसाइट है रैंक है यहाँ पर, यह देखिए spinehealth.com, यहाँ पर एक और वेबसाइट है kidshealth.com, ठीक है, तो सब उसी कीवर्ड को टारगेट करके और बताए हैं उसके बारे में। आप जाके इन वेबसाइटों को जरूर रीड करें, आर्टिकल लिखने से पहले ये जो वेबसाइट है रैंक है इस कीवर्ड पे जाके उनको देखें कितने वर्ड का है और कितना इमेज लगाया गया है और क्या वीडियो उसमें डाला गया है, ठीक है, GF है, कौन सा वीडियो है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ किया, इसमें फीचर स्निपेट का यूज़ किया सबसे, इसीलिए टॉप में वेबसाइट है, टेबल ऑफ कॉन्टेंट का यूज़ किया गया, फीचर स्निपेट का यूज़, तब जाके टॉप में वेबसाइट को गूगल ला के रखा है, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड हमारे लिए अच्छा कीवर्ड है हेल्थ वेबसाइट के लिए, और ये एक कीवर्ड अच्छा है, ठीक है।
और ये जो हमारी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड वेबसाइट वेबसाइट होती है टेक्नोलॉजी वाली, उस पर आप बता सकते हैं कौन सी कंपनी का कितना प्लान है और कौन कौन सी कंपनी किस प्रकार की हाई स्पीड, कौन सा कितने Mbps का हाई स्पीड है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी, इतने इतने हाई स्पीड का सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्लान के साथ बताइए और डिस्क्राइब जरूर कीजिए, हर कंपनी का डिस्क्राइब जी कीजिए और क्रेडिट भी अच्छे से दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ डेटा था जो मैंने आपको बता दिया आज का कीवर्ड का, और मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं जाते जाते आपको बता दूँ, अगर आप कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग से संबंधित या टॉप लेवल का कीवर्ड अगर चाहिए, अगर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या ब्लॉग वेबसाइट के लिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको जो कीवर्ड देखूँगा वो कमाल का कीवर्ड बताऊँगा, ताकि आप उस पर सर्च वॉल्यूम के साथ साथ आप अच्छा खासा ट्रैफिक ला जाए, ठीक है, 3 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट सक्सेसफुल बन सकती है अगर आप चाहें, अगर सही वे में काम करेंगे तो 3 महीने के अंदर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं ब्लॉगर, ठीक है, और अगर आप बिना सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे काम करेंगे तो 3 महीने का 6 महीने 9 महीने में नहीं आपका हो पाएगा, 1 साल लग जाता है, ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट को अच्छा ट्रैफिक लाने, अगर आपको सही कीवर्ड पर, अगर सही कीवर्ड पर सही सर्च वॉल्यूम पर अगर आपका पोस्ट हर पोस्ट सही कीवर्ड पर लिखा जाएगा तो वो रैंकिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टडीज थी जो मैंने आपको बता दिया, मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया, पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।